चौथी राशि कर्क राशि के नाम से जाना जाता है। तो आज आपको ध्यान रखना है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा। आप बहुत एनर्जेटिक है, आपके अंदर अपरिमित ऊर्जा है, तो अपनी ऊर्जा को कैसे चैनलाइज करेंगे, कैसे सही दिशा में लगाएंगे, आज आपको डिसाइड करना। अगर ये डिसाइड करके करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा और आज आपको काफ़ी बड़ी सफलता मिलेगी। और जो आप योजना बनाते हैं, आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, बहुत अच्छे मैनेजर हैं, तो जो भी आपका मैनेजमेंट होगा बहुत अच्छा होगा। तो योजनाओं को बड़े पैमाने पर आज आपको लाभ मिल सकता है। जो भी प्लानिंग करेंगे उसमें आज आपको लाभ मिलेगा। और अपनी पॉजिटिव सोच को रखना आपके लिए ज़रूरत है। जितना सकारात्मक सोचेंगे उतनी अच्छा रहेगी। और आज आपको मीठी वाणी से धन कमाएंगे। जो वाणी होगी बहुत कीमती बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो आपके लिए लाभ होगा और माता का सुख मिलेगा। कृषि योगी भूमि खरीदने की भी संभावना बन रही हैं। और अगर कोई वाद विवाद चल रहा हो तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी, विजयश्री मिलेगी, इस तरह की संभावना दिख रही है। तो आज सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूरा सोच समझ करके निर्णय लेके करें, क्योंकि आप कार्य जब शुरू करते हैं तो बीच में छोड़ देते, तो ऐसा ना करें। उपाय क्या करना है? उपाय करना कि भगवान शिव जी को, भोलेनाथ को आज आप सफ़ेद मदार और सफ़ेद चंदन अर्पित करें, साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और एक लोटा जल चढ़ाते बहुत बढ़िया रहेगा, उनकी आराधना करें, आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग सफ़ेद है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण।